भारत और फ्रांस ने मिलकर समुद्री निगरानी के लिए 8 से 10 उपग्रह भेजने की योजना बनाई है। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के प्रमुख जियां-यव्स ले गॉल ने यह जानकारी दी। यह किसी भी देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष साझेदारी होगी। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले 8 से 10 समुद्री निगरानी उपग्रह का फोकस हिंद महासागर पर होगा। इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ती जा रही है, ऐसे में इस कदम से चीन पर नजर रखने में काफी मदद मिलेगी। गॉल ने बताया कि फ्रांस मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह पर भेजे जाने वाले अंतरग्रह मिशन पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के साथ अपनी विशेषज्ञताएं भी साझा करेगा। उन्होंने कहा, हमने समुद्री निगरानी के लिए नए उपग्रहों के समूह पर बातचीत करना शुरू कर दिया है। यह पूछे जाने पर कि कितने उपग्रह परियोजना का हिस्सा होंगे, इस पर उन्होंने कहा, इनकी संख्या 8 से 10 होगी। CNES के अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्षेपण का मकसद समुद्री यातायात प्रबंधन की निगरानी करना है। उपग्रहों के प्रक्षेपण में 5 साल से भी कम समय लगेगा। इस साल मार्च में भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष के लिए संयुक्त विजन पेश कर ISRO और CNES के बीच सहयोग मजबूत करने का संकल्प जताया था। संयुक्त विजन स्टेटमेंट में कहा गया, ISRO और CNES साझा उत्पादों और तकनीक के विकास के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें भूमि और समुद्र के संपत्तियों की रक्षा और निगरानी के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शामिल है। संचार की नई महत्वपूर्ण समुद्री लेन हिंद महासागर से होकर गुजरती है और इसलिए ये क्षेत्र भारत और फ्रांस के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। अधिकारियों ने बताया है कि हिंद महासागर क्षेत्र नई दिल्ली के लिए अहम है। फ्रांस की भी सीमाएं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के आसपास फैली हुई हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।